केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ पहुंचे। सिंधिया ने राहुल गांधी के दो भारत वाले बयान पर किया पलटवार, कहा मेरा भारत देश एक है, मेरा देश भारत देश एक परिवार है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, शादियों में लोगों की संख्या पर पाबंदी खत्म, होशंगाबाद पर बदलने नाम बदलने पर पीएम और सीएम को धमकी। बसंत पंचमी पर सुजालपुर के स्वास्थ्य एक्सीलेंस स्कूल में मेरा विद्यालय मेरी पहचान का आयोजन, मां सरस्वती की पूजा वंदना कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। मंत्री इंद्र सिंह परमार ने प्रयास पुस्तक पर किया विमोचन। श्योपुर के ईमानदार ऑफिसर एसपी अनुराग सुजानिया का ट्रांसफर होने पर सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, शहर में अपराधों पर लगाई थी लगाम। और मध्य प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, भोपाल में और इंदौर में दो दो की मौत, जबलपुर में एक की मौत, ग्वालियर में 119 नए केस। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां रायपुर एयरपोर्ट पर भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया ने राहुल गांधी के दो भारत वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश को दो भागों में बांटने वाला बयान भारत का कोई नागरिक नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि मेरा भारत देश एक है, मेरा देश एक है और मेरा देश एक परिवार है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल शायद साल 2014 से पहले के संदर्भ की बात कर रहे हैं, जब देश में प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उन्होंने मोदी के कार्यकाल में देश को विकास की दिशा में नया आयाम मिलने की बात करते हुए कहा कि मोदी के आने के बाद एक दूसरा देश देखने को मिला, जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया है, साथ ही हर क्षेत्र में विकास का द्वार खुला है। मेरा देश भारत, मेरा देश एक, मेरा देश एक परिवार, भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में चली है। और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय 2014 के पहले एक देश था, जहाँ प्रगति नहीं होती, विकास नहीं होता, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है, जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जो अंत्योदय के आधार पर गरीबों को केवल अपना हक नहीं लेकिन विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचमी उत्सव पर सुजालपुर के शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में मेरा विद्यालय मेरी पहचान के साथ अपना विद्यालय अपना कोष योजना कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा वंदना कर किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय स्कूल के पूर्व छात्र मौजूद रहे। वहीं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व छात्रों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री इंद्र सिंह परमार ने प्रयास पुस्तक का विमोचन भी किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र और पूर्व छात्र उपस्थित रहे। मां सरस्वती के अवतरण से ही शिक्षा का पृथ्वी पर काम प्रारंभ हुआ है और इसलिए हम सब लोग मां सरस्वती को वेग की देवी, बुद्धि की देवी कहकर भी हम संबोधित करते हैं। हम सौभाग्यशाली है कि आज हमको एक ऐसे प्रसंग के रूप में उनका स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है शायद आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जब इतिहास लिखा जाएगा तब इस कार्यक्रम का उल्लेख होगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि शादियों में संख्या की पाबंदी अब खत्म कर दी गई है, कोरोना के केस ना बढ़े इस पर ध्यान दिया जा रहा है।
नागरिकों से अपील है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, और साथ ही कहा कि पीएम और सीएम को मैं बधाई देता हूं कि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने सड़कों का नाम औरंगजेब जैसे लोगों पर रखा है, जब हम नाम बदल रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनके नाम नरेंद्र मोदी जी को और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई, धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया है। नर्मदा मैया जो हमारी जीवनदायिनी है, नर्मदा मैया जो हमारी आस्था का केंद्र है, उनके नाम से अब होशंगाबाद जाना जाएगा। और उसी तरह बाबई को भी माखन नगर और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी क्षेत्र जो है वहाँ को कुंडलेश्वर धाम कहा जाएगा। बाहर से आकर इस देश पर कब्जा किया, इस देश पर शासन किया, इस देश की जनता के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ अत्याचार किया, उनको कांग्रेस की सरकार ने महिमा मंडित किया था। वो गुलामी के प्रतीक जो निश्चित रूप से हम सबके लिए आपत्तिजनक हैं, उनके नाम जब हम बदल रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे शर्म आती है जब कांग्रेस के नेताओं ने कल नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम रखने पर भी आपत्ति दर्ज की। 47,986 एक्टिव केस हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और ये आदेश निकला है कि अब शादियों में जो संख्या की लिमिटेशन थी वो समाप्त की गई है, परंतु उसके साथ साथ सभी नागरिकों से ये अपील भी की गई है कि हम सब पूरे उत्साह के साथ शादी मनाएं, शादी में सम्मिलित हों, परंतु उसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी हम ध्यान रखें, मास्क लगाएं। नरेंद्र मोदी जी को और इमानदार ऑफिसर एसपी अनुराग सुजानिया का मंदसौर ट्रांसफर को लेकर जनता में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर श्योपुर की जनता में एसपी अनुराग सुजानिया के अचानक तबादले को लेकर लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर लगातार एसपी अनुराग सुजानिया के पक्ष में पोस्ट अपडेट की जा रही है। बता दें कि एसपी 6 माह से श्योपुर शहर में अपराधों पर लगाम लगाए हुए थे और अचानक उनके तबादले से शहर के लोगों में हैरानी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अंतिम चरण चल रहा है। वहीं सरगुजा जिले में अब तक तय लक्ष्य से 23% अधिक धान खरीदी जा चुकी है। प्रशासन ने अभी भी धान खरीदी केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर संजीव कुमार झा दरिमा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर जैविक खाद की उपयोगिता को समझाया। खेतों में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद उपयोग करने को लेकर कलेक्टर ने किसानों को प्रेरित किया। अभी शासन के निर्देशानुसार अभी बस 2 दिन धान खरीदी के लिए शेष हैं और सरगुजा ज़िले में ज़्यादातर खरीदी केंद्रों में किसानों ने अपना धान बेच लिया है और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा खरीदी हुई है और लास्ट ईयर की तुलना में अपना 23% लगभग 23% ज़्यादा खरीदी हुई है, ज़्यादा किसानों ने खरीदी किया है। अभी जो खरीदी केंद्र बचे हुए हैं जिनमें आखिरी दिनों में खरीदी हो रही थी उसी को हम लोग निरीक्षण कर रहे थे। यहाँ आकर के हम लोगों ने जो किसान हैं उनसे बातचीत किया है कि उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, और जो हमारे यहाँ पर टीम लगी हुई निगरानी दल के लोग लगे हुए उनको बताया गया है कि थोड़ा सा नज़र बनाए रखे ताकि केवल जो सही किसान है वही अपना धान बेच सके और बाकी जो थोड़े से संदिग्ध टाइप के लोग हैं उन पर नज़र रखें। रामदेव धान बेचे हाल ही बड़े दमाली से मन 125 बोरी धान बिक गया, गया बहुत खुश हैं हम लोग, धान बिक गया हम खुश हैं, कलेक्टर साहब आए रहे बहुत खुश लगा हमको, मिनट बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है। 20 साल हो गए इसकी दा, लेकिन पहली बार दे थो। कैसा लगी धान जैसे कोई दिक्कत आई तो दिक्कत नहीं ऐसे बढ़िया मोट खुशी नमा से दे थो। कलेक्टर साहब आई ना है मोर से बात करी बहुत पसंद हमें। नगरपालिका सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 17 के रहवासी पानी निकासी को लेकर आक्रोशित हैं।
दरअसल वार्ड में पानी निकासी के लिए नाली निर्माण के अभाव के कारण बारिश के दिनों में तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में बीती रात हुई बारिश के कारण वार्ड के सड़क में जलभराव की स्थिति बन गई। यहां आक्रोशित ग्रामीणों की जानकारी मिलने पर एसडीएम रवि सिंह खुद मौके पर पहुंचकर वहां का उन्होंने जायजा लिया। वहीं वार्ड वासियों ने भी तत्काल जल निकासी की मांग करने लगे। वहीं एसडीएम ने नाली निर्माण के लिए वार्ड के निजी भूमि स्वामी को नोटिस जारी कर नाली निर्माण की जगह खाली करने के लिए नगर पालिका प्रशासन को निर्देश दिया। यहाँ आता सर तालाब से बदतर स्थिति हो जाती है सर। यहाँ के बच्चे गिर रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं वो गिर रहे हैं सब, तो मतलब बहुत बुरा हाल है सर यहाँ का। आपकी पार्षद, अपने पार्षद को बता, पार्षद को पता भी है सर, वो पता नहीं आते भी है नहीं पता नहीं वो क्या बोले, उनको कोई बाल किया जा रहा है उनके द्वारा क्या सर? वो शायद मेरे को लगता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं सर। यहाँ पे आप मीडिया के सामने बोल रहा हूँ भले, लेकिन उनका कोई वो नहीं है सर। आते आश्वासन देते हो जाएगा उनका ये कहना रहता है, बाकी वो करते कुछ नहीं है सर। आपके मोहल्ले में यहाँ पे शादी है अभी कल से, कितनी दिक्कतें होंगी? बहुत दिक्कतें सर, आने वाले यहाँ मेहमान आएंगे सर, क्या बोलेंगे वो, क्या है यहाँ की स्थिति, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ अभी शादी हो गई सर, शादी या कुछ भी कार्यक्रम हो तो यहाँ की स्थिति सर यहाँ ऐसी रहती है, मतलब सर मतलब बरसात जैसी स्थिति रहती है हर महीने सर, मतलब बहुत बुरा हाल है सर। मतलब यहाँ नाली निर्माण ही यहाँ का मेन सोल्यूशन है सर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सूरजपुर जिले में धान खरीदी का आखिरी दौर चल रहा है, जहां जिला अब धान खरीदी लक्ष्य से आगे है। ऐसे में 7 फरवरी तक जिले में धान खरीदी होगी। गौरतलब है कि जिले में 50 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी हो रही है। ऐसे में 52,147 किसानों से 2,40,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, जहाँ वर्तमान में 2,48,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं धान खरीदी केंद्रों से 1,36,000 धान का उठाव भी पूरा हो चुका है, जहां जिले के कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि धान खरीदी को लेकर जिले में विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे किसानों को कोई समस्याएं ना हो। ऐसे में 7 फरवरी तक जिले के किसानों को धान की खरीदी पूरी कर ली जाएगी। देखिए जिले में लगभग खरीदी हमारी पूरी होने को है, और आने वाले 2-3 दिन में जो किसान बचे हुए हैं वो भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वर्ष हमने जिले में धान का समितियों से लगभग 52-54% उठाव भी कर लिया है, तो बहुत ही शीघ्रता से हम उठाव। अशोकनगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर शिक्षण संस्थानों में नए धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन संपन्न हुए। इस दौरान शहर के सरस्वती विद्या मंदिर और विवेकानंद स्कूल सहित अन्य शिक्षक संस्थानों में बसंत उत्सव मनाया गया। वहीं इस मौके पर सरस्वती विद्या मंदिर में विशेष आयोजन रखा गया, जहां मंदिर में पूजा अर्चना कर शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के साथ बैठकर हवन पूजन सहित नव प्रवेश छात्र छात्राओं के लिए पट्टी पूजन का कार्यक्रम भी रखा। वहीं विवेकानंद स्कूल में भी सरस्वती माता का विशेष पूजन किया गया और बसंत उत्सव के लिए बच्चे और शिक्षक पीले और केसरिया परिधान में विद्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम रखने का फैसला लिया है। बता दें कि 8 फरवरी को नर्मदा जयंती का मुख्य समारोह नर्मदा के सेठानी घाट पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। नर्मदा जयंती के दिन जल मन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और बाबई का नाम माखन नगर बदलने की घोषणा करेंगे। बता दें कि बाबई माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। स्थानीय लोगों की माने तो कई वर्षों से बावई तहसील का नाम माखन दादा के नाम पर माखन नगर करने की मांग की जा रही थी। माखनलाल मध्य प्रदेश के पहले स्वतंत्र सेनानी भी माने जाते हैं। ऐसे में बावई का नाम माखन नगर होने पर लोगों में उत्साह है। विगत वर्षों से प्रतीक्षा करते करते आज मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे नाना जी दादा पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी का नाम माखन नगर बावई प्रशासन द्वारा किया गया। मैं और मेरा परिवार इस सूचना और खबर को सुनकर बहुत प्रसन्न है और शासन से अपेक्षा करते हैं कि उनकी जो जन्मभूमि है जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके बारे में भी और कुछ किया जाए उस स्थान पर, तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होगी। आज जिस होशंगाबाद की बात हम कर रहे हैं उस होशंगाबाद का नाम मालवा की सुल्तान होशंग शाह गोरी के नाम पर रखा गया। इतिहास के पन्नों में यह कहा जाता है कि 1405 में दिलावर खां गोरी का पुत्र अल्प खां गोरी मालवा का सुल्तान बना और फिर इसने होशंग शाह की उपाधि धारण की।
इस होशंग शाह ने मालवा की राजधानी धार को उठाकर मांडव बनाया और फिर यह साम्राज्य विस्तार करते हुए आगे बढ़ा। अपना साम्राज्य विस्तार करते करते जब यह सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बसे नर्मदा के किनारे इस अंचल में आता है तो इस शहर का नाम होशंगाबाद रखता है। कोरिया में रेत ठेकेदार वाहन मालिक से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके विरोध में वाहन मालिकों ने गाड़ी खड़ी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेत ठेकेदार 180 रुपए की जगह 500 घन मीटर वसूली कर रहे हैं और दिन में एक बार ही रॉयल्टी पर्ची दी जाती है। मामला सोनहत के तेलीमोड़ा रेत खदान का है। मौके पर उपस्थित वाहन मालिक उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अपना पीट पास कटा था 2000 का और ये पीट पास काट के यहाँ से भेज दिए। अब यहाँ ड्राइवर अपना गया यहाँ से काचाडांड SDM सर उधर से आ रहे थे, अब गाड़ी को पकड़ के ले गए। क्या बोले? क्यों पकड़ के ले गए? क्या बोले? बोला ये कागजात कहाँ पीट पास, तो टोकन से लोग चलवा दिए, ये टोकन से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए टोकन का कितना पैसा लेते हैं 4 घंटे का? 2000। बागली स्थित उत्कृष्ट विद्यालय की क्रिकेट टीम ने विधायक कप क्रिकेट प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है, जिसके सम्मान में विधायक पहाड़ सिंह ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 51,000 नकद और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। वहीं उप विजेता क्रिकेट टीम में कांटाफोड़ को 21,000 नकद और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस दौरान विधायक ने जम्भेश्वर महादेव मंदिर परिसर में गायत्री भवन का निर्माण कर भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि जनवरी माह में विधायक कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उदयनगर में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर अज्ञात चोरों ने क्षेत्र स्थित दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मंदिर से दान पेटी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि क्षेत्र में पहले भी चोरों का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अलीराजपुर में वेतन कम होने के कारण एक अतिथि शिक्षिका ने कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली है। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष महेश भूरिया के मुताबिक पटेल कलिया स्थित प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका कम वेतन और घर गृहस्थी से काफी परेशान थी, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को वेतन काट कर दिया जाएगा। आज भी वर्ग 3 के शिक्षकों को 5,000 की जगह 3,500, वर्ग 2 को 7,000 की जगह 5,500 और वर्ग 1 को 9,000 के बदले 7,500 रुपए दिया जाता है। शासन को शिक्षकों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मेरा निवेदन है, हम अतिथि शिक्षक पिछले 12-13 वर्षों से अपनी सेवाएं निरंतर देते आ रहे हैं और हमारा वेतन पिछले 3 साल से ही बढ़ा है। पहले वर्ग 3 का वेतन 2400 रुपये मिलता था, वर्ग 2 का वेतन 3500 रुपये और वर्ग 1 का वेतन 5000 रुपये दिया जाता था। 2018 से अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ा, वर्ग 3 का वेतन 5000, वर्ग 2 का वेतन 7000 और वर्ग 1 का वेतन 9000 दिया जाने का आदेश दे रखा है। लेकिन आज भी अतिथि शिक्षकों का वेतन काटकर जमा किया जाता है। अभी पिछले 2-3 महीनों का जो वेतन जमा हुआ है, बहुत से ब्लॉकों में पूरे ज़िले में वेतन किसी एक महीने का 1500 रुपये, किसी के 1000 रुपये, किसी के समथिंग 2000 रुपये काट लिए गए हैं। तो अतिथि शिक्षक वैसे भी परेशान हैं, क्योंकि वो सुबह से लगाकर शाम तक अपनी सेवाएँ निरंतर रेगुलर शिक्षकों की तरह वो सेवा देते हैं, इसलिए उम्मीद भी रखते हैं कि हमें हमारा वेतन पूरा मिले। लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षकों के साथ ही क्यों अन्याय किया जाता है, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। वहीं सिंधिया ने कहा कि मेरा देश भारत देश है, मेरा देश एक है और मेरा देश एक परिवार है। राहुल गांधी शायद 2014 के संदर्भ की बात कर रहे हैं, जब देश में विकास नहीं था, भ्रष्टाचार होता था। इसके बाद उन्होंने मोदी कार्यकाल को जो विकास है उसका बताया और दिशा में नया आयाम मिलने की बात कही। साथ ही कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद दूसरा देश देखने को मिला।
शासकीय प्राथमिक शिक्षा के माफ कीजिएगा शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक शेख जाफर खान ने अपनी मेहनत कला को खुद ही माँ सरस्वती का मंदिर निर्माण कर दिया है और बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती माँ की मूर्ति विराजमान कर सच्ची सेवा व्यक्त की। जब हमने उनसे पूछा कि आप मुस्लिम हैं कैसे आपने आपके अंदर माँ सरस्वती निर्माण मंदिर को लेकर बात आई, उनके द्वारा सरल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सब कृपा की बात है, मैं शिक्षक हूँ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने संदेश में सभी भारतवासी मुस्लिम हिंदू भाइयों को एक रहने की बात कही। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छे हिलमिल कर रहें, सौहार्द का वातावरण रखें। जैसे ही मैंने मंदिर की स्थापना प्रारंभ की थी, नींव प्रारंभ की थी, उसी दिन हमारे ग्राम पटेल परम आदरणीय शुक्ला जी ने मुझसे कहा था कि मूर्ति मैं आपको ला कर दूँगा। तो मूर्ति हमारे पटेल साहब की सौजन्य से यहाँ पर प्राप्त हुई है और आज हम अपने विद्यालय में सरस्वती जयंती मना रहे हैं और माँ सरस्वती की स्थापना कर रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े खुश हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है और नई उनको प्रेरणा और ऊर्जा का। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। लाभ का धन